हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं लीशमानियासिस और काला आजार के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। लीशमानियासिस और काला आजार क्या है? लीशमानियासिस एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जो जीनस लीशमानिया की कई प्रजातियों से हो सकता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, या तो त्वचा का तथा श्लेष्मा झिल्ली का, म्यूकोसल और रिलेटेड टू स्किन। एंड सेकेंड वन इज विसरल, जो दूसरा है वो विसरल लीशमानियासिस है, आंतरिक अंगों का, या जनरलाइज्ड हम लीशमानियासिस कह सकते हैं, और इसे ही कालाजार भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो लीशमानियासिस मुख्य रूप से लीशमानियासिस की कई प्रजातियों से हो सकता है, जैसे लीशमानिया ट्रॉपिका, लीशमानिया मेजर, लीशमानिया एथोपिका, लीशमानिया ब्रेजिलिनेसिस एंड लीशमानिया मैक्सिकाना। लीशमानियासिस की जो दो फेजेज होती हैं एक्चुअली डेवलपमेंट की, जिसमें एक फेज वेक्टर में डेवलप करती है, ये वाली प्रोमेस्टिगोट, और ये मेस्टिगोट ह्यूमन बीइंग या जो एनिमल है उसमें डेवलप होती है। अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है। तो लीशमानियासिस जो एक मरीज या कोई एनिमल जो बीमार है वहां से स्प्रेड होता है सैंड फ्लाई के काटने से। सैंड फ्लाई जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, वो उसको लेके जाता है इसके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, वैसे ही सैंड फ्लाई काला आजार के ऑर्गेनिज्म को एक इन्फेक्टेड मनुष्य से या एक इन्फेक्टेड जानवर से लेकर जाती है हेल्दी पर्सन तक। तो एक संक्रमित पशु या जो रिजर्वायर है या मरीज है, उसको काटने के बाद सैंड फ्लाई की जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रोमेस्टिगोट्स डेवलप करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो प्रोमेस्टिगोट्स डेवलप हो गए, अब जब ये सैंड फ्लाई काटेगी एक हेल्दी पर्सन को तो उसमें ये चले जाएंगे, और जो मैक्रोफेजेज है हमारी वो उनको कैप्चर कर लेगी। अब मैक्रोफेजेज के अंदर इसकी सेकेंड स्टेज डेवलप करती है, जिसे हम एमेस्टिकोट कहते हैं, और ये काफ़ी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं जब तक कि हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल या मैक्रोफेज है वो फट नहीं जाती और वो पूरी ब्लड में रिलीज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसके क्या होंगे। तो जो त्वचीय या म्यूकोसल जो लीशमानियासिस है वो तो एक लोकल इन्फेक्शन होता है, जिसमें मैक्यूल से वो शुरू होता है, बाद में वो पेप्यूल बन जाता है, और धीरे धीरे वो अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है। तो स्किन का हो सकता है और म्यूकस मेम्ब्रेन का, जिसमें ओरल या ओरोफेरिंक्स का जो लीशमानियासिस है वो हो सकता है। ये जो घाव है ये, या जो दाने हैं, वो अकेले भी हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये घाव काफी समय, कुछ हफ्तों से लेकर महीनों सालों में वो अपने आप ठीक हो जाते हैं विदाउट ट्रीटमेंट। बट जो विसरल लीशमानियासिस है वो एक प्रकार का जनरलाइज्ड इन्फेक्शन है, जो इंट्रा सेलुलर लीशमानिया जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसके पैथोलॉजिकल इफेक्ट से ये होता है, और इसमें बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जनरलाइज्ड होते हैं, जैसे बुखार आना, लीवर और जो स्प्लीन है उसका बढ़ जाना, उनकी इंफ्लामेशन स्वेलिंग हो जाना, लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, और जो रोगी है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है। इसके अलावा हाथ पैर और चेहरे की जो त्वचा है वो पूरी काली सी पड़ जाती है, इसीलिए इस जो ग्रेश डिस्कलरेशन है इसीलिए इस रोग को हम काला बुखार या काला आजार के नाम से जानते हैं। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए हमें जो इसका पार्ट है बायोप्सी वो लेके जांच करवाने के लिए भेजना है, और उससे हम कल्चर भी कर सकते हैं, यदि पैरासाइट उसमें दिख जाता है तो कन्फर्म हो जाता है। इसके अलावा एस्पिरेशन ले सकते हैं अस्थि बोन मैरो का, या स्प्लीन का, लीवर का, लिम्फ नोड्स का, वहाँ भी हमें जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो दिख सकता है, तो उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि
रोगी को लीशमानियासिस विसरल वाला है। इसके अलावा आजकल रैपिड टेस्ट भी अवेलेबल है, डिपस्टिक है उसमें जो डिपस्टिक करके और बहुत ही जल्दी उसका रिजल्ट आ जाता है, वो टेस्ट भी आजकल अवेलेबल है। अब डायग्नोसिस की बात आती है ट्रीटमेंट की, तो यदि क्यूटेनियस या म्यूकोसल लीशमानियासिस है तो उसमें नॉर्मली ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वेट एंड वॉच ऑब्जर्वेशन करते हैं और धीरे धीरे वो जो घाव है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय इनको कर देता है इन्फेक्शन को या पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को। बट जब विसरल लीशमानियासिस होता है तो कुछ मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे IV लाइपोसोमल एम्फोट्रेसिन भी दे सकते हैं या ओरल मिल्टेफोसिन नाम की ड्रग्स दी जाती है। वैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आप प्रिवेंशन कर सकते हैं तो बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर हैं उनको अपनाना चाहिए, जैसे लीशमानिया के प्रसार को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि रोग की जल्द से जल्द पहचान करना और ट्रीटमेंट शुरू कर देना। जितना जल्दी हम रोगी का ट्रीटमेंट करेंगे तो वहां से फिर जो सैंड फ्लाई है उसके थ्रू उसका स्प्रेड होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा जो सैंड फ्लाईज हैं उनका कंट्रोल करना, सैंड फ्लाईज थोड़े की जो उड़ान है वो सीमित होती है, इसलिए यदि रेजिडुअल स्प्रे कर दिया जाए जो हम डेंगू के लिए या मॉस्किटो के लिए यूज करते हैं तो उससे भी इसकी संख्या को काफी कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सैंड फ्लाईज हैं उनके जो प्रजनन स्थान हैं, जैसे दीवारों में कोई दरार है, जानवरों के घर हैं जिसमें अस्तबल वगैरह या जहाँ पर गाय भैंस हम बांधते हैं, कूड़े के जो ढेर हैं उनके ऊपर छिड़काव किया जा सकता है अवशिष्ट कीटनाशकों का, और सैंड फ्लाई के काटने को रोकने के लिए जैसे हम मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं वो भी हम यूज में ले सकते हैं ताकि सैंड फ्लाई काटे नहीं। इसके अलावा जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको हमें हटा देना है, जनरल जो क्लीनलीनेस है आस पड़ोस की वो भी कालाजार को रोकने में मदद कर सकती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।